प्रभु मसीह के मधुर और मीठा समाज साथियों, पास्टर प्रचारक को जय मसीह कहता हूँ। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ आज सुबह आने की भोर का प्रार्थना। और इस प्रार्थना में घर परिवार के लिए, जो बीमार पड़े उनके लिए, दिन भर आशीष के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। तो विश्वास पूर्वक इस प्रार्थना को देखें और बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को अपने जीवन में, अपने घरों में रिसीव कीजिए, क्लेम कीजिए कि ये प्रार्थना मेरे घर और मेरे परिवार के लिए की जा रही है। कह रहा हूँ, जितने भाई बहन लोग इस प्रार्थना को अपने जीवन में रिसीव कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं, प्रभु उनके जीवन में बरकत आशीष को भेजने जा रहा है। प्रार्थना कौन बॉस में या फिर हमारे व्हाट्सएप भेजिए। हम हमारी मिनिस्ट्री बड़े बोझ के साथ प्रार्थना करता है। और जितने भाई बहन अपने हाथ को आगे बढ़ाकर बीज बोए हैं, भेंट दास से दशमांश भेजें, प्रभु आप सबको आशीष दे, वचन के अनुसार 100 गुना वापस करें। अगर आप दास भेजना चाहते हैं तो बड़ियों का लास्ट डेट मिल जाएगा। अपनी शक्ति, अपनी इच्छा के अनुसार आप हमें सहयोग प्रदान कर सकते हैं। हम एक वचन देखते हैं, भजन संहिता 51:17 में लिखा हुआ है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है, हे परमेश्वर तो टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता है। मेरे पियो, हम प्रभु को उपस्थिति में बैठ कर सच्चे मन, सच्चे दिल से हम प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनेगा। हम आंसुओं के साथ गिड़ाते हुए हम प्रभु से प्रार्थना करें। यह वचन कहता है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हम टूटे हुए मन से आंसुओं के साथ गिड़ाते हुए हम प्रभु को उपस्थिति में बैठे, उससे प्रार्थना करें, अपनी समस्याएं उसके सामने रखें और उसकी इच्छा को हम अपने जीवन में आज के दिन मांगे। मेरे पियो, हाँ प्रभु, जो मैं चाहता हूँ वो नहीं बल्कि तू जो चाहता है वो मेरे जीवन में इच्छा पूरी होने पाए। और जब परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में आएगी मेरे पियो, हमारा जीवन, हमारा घर आशीष से भरपूर हो जाएगा। हम अपनी इच्छा को परमेश्वर के सामने रखते हैं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा क्या है यह जानने की हम आवश्यकता, हम जरूरत को नहीं समझते हैं। तो आज से हम परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में हम मांगने वाले हो जाए। परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य, चमत्कार करने के लिए तैयार है। तो आइए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। विश्वास के साथ देखिए और बड़े विश्वास के साथ प्रार्थना को क्लेम कीजिए। हालेलुया, 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 बारी वाउलरा बारी करा बारक तम जयम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीजस। ते नाम की महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो, ग्लोरी ग्लोरी, रबा सिखर रबा हूल रबा रिक करा बारक तम जयम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीजस। ते नाम की महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, ते नाम की महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो, ग्लोरी 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 ग्लोरी, रिबा सिखरवा हूल रवा रिखरवा, धन्य ईश्वर राजा, ते नाम की महिमा हो। प्रभु जी हम धन्यवाद देते पिता हर एक बातों के लिए। पिता ये सुंदर दिन दिया पिता, एक नया दिन दिखाया, रात सुनाइन दिया पिता, और हम सबको जीवित रखा प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं। मेरे पियो, प्रभु को धन्यवाद दीजिए हर एक बातों के लिए, धन्यवाद दीजिए। आज नया दिन दिखाया, जीवित रखा, इन सारे बातों को याद करते हुए प्रभु को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाइए। थैंक यू जीजस। ते नाम की महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो। जितने भाई बहन प्रार्थना को देख रहे, सुन रहे हैं पिता, उन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। ते नाम की महिमा इनके जीवन में, के घरों में प्रकट होने पाए। दुनिया भर में जहां भी रहकर प्रार्थना को देख रहे हैं, वहां अद्भुत कार्य चमत्कार होने पाए, वहां बंधन टूटने पाए, बीमार चंगे होने पाए, चिंताएं दूर भागने पाए, यीशु के नाम में अद्भुत कार्य चमत्कार वहां प्रकट होने पाए। थैंक यू जीजस। दीमक कार्य मगवाए, कार्य में सहायता कर, जहाँ कार्य करने जाते पिता, त्राउम सुरक्षा प्रदान करिए पिता। हर एक कार्य करने में सहायता कीजिए, जो कार्य करने जा रहे पिता, उन कार्यों में इनको सफलता दीजिए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, हर एक कार्य इनके करने में सहायता कीजिए। जिनके पास जॉब नहीं पिता, उनको तो जॉब से ब्लेसिंग करिए खुदावन पिता। तेरे नाम की महिमा इनके जीवन में, इनके घरों में प्रकट होने पाए। दुनिया भर में जहाँ भी रहकर देख रहे उन सारे भाई बहनों को हम तेरे नाम से, हम आशीष की, चंगाई की, छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। इस प्रार्थना के द्वारा इनका जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तन होने पाए। रिबा सिखराबा हुलराबा रिखराबा रक्तम जयम, रक्तम जयम। धन्य ईश्वर राजा, तिनाम की महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो, ग्लोरी 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 ग्लोरी। हम प्रार्थना करते हैं उन सारे भाई बहनों के लिए पिता, जो आज की सुबह पिता किसी बातों को लेकर परेशानी में पड़े हुए हैं, समस्याओं में घिरे हुए हैं पिता, चिंताओं में डूबे हुए हैं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, वो चाहे कितनी ही परेशानी के उनके जीवन में क्यों ना हो पिता, इस प्रार्थना को देखते हैं उनके हर एक परेशानी तेरे नाम से दूर होने पाए। जो समस्या
समस्याएं के जीवन में कार्य कर रही है पिता, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। भिन्न प्रकार के भिन्न भिन्न समस्याओं से ग्रसित है पिता ये भाई बहन पिता, वो समस्याएं छोटी चाहे बड़े क्यों ना हो हम प्रार्थना करते हैं पिता। हाँ प्रभु जी, हर एक समस्याओं का नाम लेकर प्रार्थना नहीं कर सकते, लेकिन इनके तो नामों से जानता है, क्योंकि तेरा वचन कहता है देखे मैं तेरा नाम अपनी हथेलियों पर लिख के रखा है। हाँ प्रभु, जिनकी समस्याओं से तू जानता है, जब इनका आत्मा मन अंदर से व्याकुल हो रहा था तब तो इनकी दशा को जानता था। हाँ प्रभु जी, हम धन्यवाद तेरे अद्भुत प्यार के लिए। जब दुखों में पड़ते, समस्याओं कष्ट में पड़ते हैं, तो हमारे हृदय की बातों को जानता है, हमारे आत्मा के बातों को जानता है पिता। हम धन्यवाद देते हैं पिता, इन सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो भी समस्या इनके जीवन में है पिता, तेरे नाम से दूर होने पाए, बंद रास्ते खुलने पाए, चिंताएं इनके जीवन से दूर भागने पाए, ये तेरे नाम से इसी घड़ी पिता छुटकारे को प्राप्त करने वाले हो जाए। राबा सिखरावा उल राबा रिक करावा रक्तम जयम रक्तम जयम। धन्येश्वर राजा थैंक यू जीजस। ग्लोरी 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 रिबा सिकर लराबा रिकराबा रक्तम जायम रक्तम जायम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीजस, थैंक यू जीजस। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं सारे भाई बहनों के लिए पिता, जो पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को देख रहे हैं, सुन रहे हैं पिता, उनके जीवन में इसी क्षण आशीष उतरने पाए पिता। हाँ प्रभु जी, उनके हर एक बंधन टूटने पाए, बंद रास्ते खुलने पाए। जो बीमार है उनके लिए प्रार्थना करते हैं, सालों महीनों से बीमार पड़े हैं, दवाई खा के थक चुके हैं, वो थके मान तेरे पास आए, और त्रिवचन कहता है थके मान दे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम और शांति दूंगा। हाँ प्रभु, इनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, ये हर जगह थके मान दे आए हैं, लेकिन विश्वास के साथ आए हैं, और जो कोई विश्वास के साथ तेरे पास आता है वह कभी खाली हाथ नहीं जाता है। हाँ पिता, इनका जितना बड़ा विश्वास है उतने ही बड़े इनके जीवन तो आशीष को दे चुका है। हम धन्यवाद देते हैं, दुनिया भर में जहां भी रख इस प्रार्थना को देख रहे हैं उनके लिए हम बड़े बोझ के साथ उससे प्रार्थना करते हैं। दुनिया भर में जहाँ भी रहकर प्रार्थना को देख रहे हैं पिता, उनके लिए हम बड़े बोझ के साथ प्रार्थना करते हैं, इसी क्षण त्रिनाम की महिमा उनके जीवन प्रकट होने पाए। मेरे पियोवा, ये प्रभु से प्रार्थना की, जिन्होंने पापों की क्षमा जीवन भर में किए हैं, उन पापों की क्षमा उससे मांगिए, गुनाहों की क्षमा उससे मांगिए, पापों का अंगीकार कीजिए, उसको जीवन का उद्धारकर्ता से उद्धार कीजिए और विश्वास कीजिए। परमेश्वर ने यीशु मसीह को मर में जिलाया है तो आप निश्चित ही उद्धार को पाएंगे। वो लहू बहाया गया हमारे खातिर, वो लहू में वो सामर्थ्य है मेरे पियो, जो हमारे लहू हमारे पापों को धो कर शुद्ध और पवित्र कर सकता है और हमें अपने राज का वारिस बना सकता है। हम विश्वास करने वाले हो जाए उस पर, वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, उसके ताड़ना सहने के द्वारा हमारे जीवन में शांति आ चुकी है। वह शांति का राजकुमार है, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। विश्वास करोगे, प्रभु की महिमा को देखोगे पिता। इन सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, जिस घर में जिस जगह प्रार्थना चलिए वहां तेरी सामर्थ्य प्रकट हो जाए पिता। इनके हाथों इनके पैरों में नया बल, नया शक्ति, नया सामर्थ्य आ जाए। हर एक कमजोर दुबलता इनके शरीर से दूर होने पाए। यीशु नासरी के नाम में इनको हम इसी क्षण चंगाई की घोषणा करते हैं। बीमारियां छोटी चाहे बड़ी क्यों ना हो और तुझसे बड़ नहीं हो सकती पिता। इनके लिए प्रार्थना करते हैं, इस प्रार्थना के द्वारा इनका जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तन होने पाए, इसी क्षण त्रिनाम की महिमा इनके जीवन प्रकट होने पाए। यीशु के नाम इनको चंगाई की छुटकारे की घोषणा करते हैं। अद्भुत कार्य चमत्कार वहां प्रकट होने पाए, अद्भुत सामर्थ्य वहां प्रकट होने पाए, लगभग बगल लोग देखने वाले हो जाए कि यीशु ही चंगा करने वाला परमेश्वर है। इनके हाथों में नया बल, नया शक्ति आ जाए। डॉक्टर साहब दे दिया है बीमारी ठीक नहीं हो सकती, लेकिन मेरे पियो विश्वास के जब यीशु मसीह पर, वो आपको चंगाई देने में सामर्थ्य परमेश्वर है। अद्भुत कार्य चमत्कार करने वाला सामर्थ्य परमेश्वर है, और रिपोर्ट को चेंज करने वाला परमेश्वर है। विश्वास करोगे, परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में रिसीव करोगे। इन सारे भाई बहनों को चंगाई प्रदान किया, हम धन्यवाद देते हैं। जो पिता परमेश्वर कष्टों में, निराशा में, दुखों में पड़े हुए हैं, अशांति में उनका जीवन जी रहा है, घर में लड़ाई झगड़े की आत्माएं कार्य कर रही है, हम प्रार्थना करते हैं इस प्रार्थना के द्वारा इनका जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तन होने पाए पिता। इसी क्षण तेरे नाम की महिमा इनके जीवन प्रकट होने पाए, अद्भुत कार्य चमत्कार इनके जीवन में होने पाए पिता परमेश्वर। दुनिया भर में जहाँ भी रहकर प्रार्थना को देख रहे हैं वहाँ तेरी सामर्थ्य प्रकट हो जाए। उनके जीवन में जो अशांति वाली बातें, उनके जीवन से निकलने की घोषणा करते हैं। घर में जो लड़ाई झगड़े कार्य कर रही है उनको निकलने की घोषणा करते हैं। हर एक बंधन इनके जीवन से टूटने पाए। इनका मन दुखित है, खेत है, शोकों से भरा हुआ है, लेकिन मेरे पियो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए, उस वचन को अध्ययन
कीजिए। परमेश्वर वचन आपसे बातचीत करेगा और आपके अंदर एक जोय आ जाएगी, आनंद की भरपूरी आ जाएगी और आपका शोक के आनंद में बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम में और उसके वचनों के द्वारा। इन सभी को पिता आशीष प्रदान किया, हम इनको तेरे नाम से पिता हम आनंद की आशीष की घोषणा करते हैं, इनके घर में सुख शांति बरकत आने पर पिता इन सभी को आशीष भरपूर किया। धन्यवाद जो दारू के आत्माओं में, नशे के आत्मा, बुरी आत्मा, कार्य के आत्माओं में पड़े हुए हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। ये प्रार्थना जिस घर में चलिए उस घर में सुख शांति आने पाए, वचन की शांति, वचन का प्रकाशन और प्रकट होने पाए, अंधकार की आत्माएं वहां से जाने पाए, बंधन टूटने पाए, बंद रास्ते खुलने पाए यीशु के नाम में। इनको हम छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। हाय दारू की आत्माएं, नशे की आत्माएं, बुरी आत्मा उनके जीवन से निकलने पाए पिता पुत्र पवित्र आत्मा के सामर्थ्य नाम में। इनको हम छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। इसी छठ नाम की महिमा इनके जीवन में, इनके घरों में प्रकट होने पाए। हाँ प्रभु जी, इन सबों को तो आशीष प्रदान किया, हम धन्यवाद देते हैं। जो विदेश में रह कार्य करते हो, जहां भी रहते हो, सुरक्षाओं से भरपूर होने पाए। जो बीमार है वो तेरे नाम से चंगे होने पाए, समस्याएं जाने पाए, बंधन टूटने पाए, बंद रास्ते खुलने पाए, चिंता कर बात इनके जीवन से निकलने पाए। जिनके पास जॉब नहीं है उनको तो जॉब से ब्लेसिंग करने जा रहा है, मांगने से अधिक योग्यता से बढ़कर इनको तो आशीष देने जा रहा है पिता, हम धन्यवाद देते हैं। रबा सिख खराबा हु रबा रिख खराबा, इनके पवार लोगों के लिए प्रार्थना करते जहां भी रहते सुरक्षाओं से भरपूर होने पाए। थैंक यू जीसस, ग्लोरी ग्लोरी। ये प्रार्थना जिस घर में चले पिता, और जितने भाई बहन देख रहे सो रहे हैं उन घरों को, उन भाई बहनों को हम सुर बड़े बांधते हैं, हर जनों को व्यक्तियों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। अब तक हम सबको संभाया रखा, दो बीमारी महामारियों से बचाए रखा, हर एक जोड़ते तूने स्वर्ग से पूरा किया, हम धन्यवाद देते हैं। आगे हम सबको संभाया रख पिता, पंखों की आड़ में छुपाया रख, कोई महामारी कोई मारे हम सबको छू भी ना पाए, यही प्रार्थना करते। जितने भाई बहन अपने हाथ को आगे बढ़ाकर बीज बोए हैं, भेंट दास दशमलव भेजे पिता, उन सभी को तो आशीष प्रदान करें। और जितना बीज बोते हैं सौ गुना वो कटनी काटने जा रहे हैं, उनके लिए जो खुल करें अपरम आशीष की वर्षा इनके जीवन तो कर चुका है, हम धन्यवाद देते हैं। घर में जो समस्याएं हैं इनके हम प्रार्थना करते हैं, हर एक समस्या इनके जीवन से दूर जाने पाए, बंधन टूटने पाए, बंद रास्ते खुलने पाए, बीमार तेरे नाम से चंगे होने पाए पिता, कर्ज के बंधन इनके जीवन से टूटने पाए, जो कमाते हैं फलवंत होने पाए, सैलरी बीजने शॉप में हम तेरे नाम से बरकत को छोड़ते हैं, फालतू खर्च की आत्मा बीमारी की आत्मा का जीवन से दूर भागने पाए। इन सारे भाई बहनों को चंगाई प्रदान किया, हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। राबा सिख राबा, जितने भाई बहन पिता गरीब बच्चों के लिए क्रिसमस ने पिता सहयोग करने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाए हैं पिता परमेश्वर, हाँ प्रभु जी, उनको कपड़े और कंबल और खाने देने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाए हैं पिता, इन सभी को तो आशीष प्रदान कर पिता। जो घटी में से भेजे हैं पिता, आने वाले दिनों में बढ़ोतरी में से भेजने वाले, इनको तो आशीष देने जा रहा है, हम धन्यवाद देते हैं। इन सभी को तो आशीष भरपूर धन्यवाद। भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं, भारत देश में तेरी समा प्रकट हो जाए, पूरे भारत देश को इस महामारी से आजादी के छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। इन सभी को आशीष दिया, धन्यवाद देते हैं। दीमक कार्य में अगुवाई के सहायता कर, जहां कार्य करने जाते हैं इनके आने जाने में सहायता प्रदान कर, हर एक महामारी छोटी बीमारियों से इन सबको बचाए रखिए, तूने ऐसा किया, धन्यवाद। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। ईश्वर से आशीष मांगते हैं, सुन दे, ग्रहण कर, आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम यीशु मसीह से प्रार्थना करने वाले हो जाए विश्वास के साथ, क्योंकि जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता है और उसका उत्तर भी देता है। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए, प्रार्थना कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप भेजिए। हमारी मिनिस्ट्री बड़े बोझ के साथ प्रार्थना करता है। गॉड ब्लेस यू।